वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है। और आपको दिखा दे, लंबी लाइन दिख रही है आपको ऑटो की। आपको बता दे, हड़ताल नहीं है फरीदाबाद में, कोई हड़ताल नहीं है ऑटो की। ये जो लाइन लगी हुई है, आज ये ऑटो चालक जो हैं पहुंचे हैं पुलिस बूथ पर। हम मेट्रो स्टेशन, मेट्रो चौक के पास हैं और पुलिस बूथ है मेट्रो का, जो मेट्रो चौक का। यहाँ पर सभी ऑटो चालक जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें क्या वजह है, एक यूनिक आईडी दी जा रही है ऑटो चालक को। सभी ऑटो चालक को एक यूनिक आईडी दी जा रही है। उनकी आइडेंटिटी जो है, पुलिस वेरिफिकेशन जो है, वो स्टिकर दिया जा रहा है। आपको दिखा दें, स्टिकर कहीं लगाया गया तो दिखाएंगे आपको। पहचान पत्र जो है, पूरी आइडेंटिटी जो है पुलिस के पास रहेगी ऑटो चालकों की। और जो उनको एक यूनिक स्टिकर दिया जा रहा है, जिस पर ऑटो पर, सर एक बार वो स्टिकर दिखा देंगे जो आप इन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको दिखा दे, ये फरीदाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का जो एक स्टिकर है, इसमें हरियाणा पुलिस का लोगो है, ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर दिया जाएगा इसके साथ, ऑटो नंबर लिखा जाएगा। और सर इसके लिए क्या कोई आईडी जमा करा रहे हैं ये लोग? हमारे साथ बात कर रहे हैं एक बार, सर थोड़ा सा बता दें। ऑटो ओनर और ड्राइवर की दोनों की। अच्छा, ओनर की भी? ओनर की दोनों। आपको फरीदाबाद बता दें, जो किराए पे ऑटो लेकर चला रहे हैं, उनके जो ऑटो चालक जो हैं और उनके जो मालिक हैं ऑटो के, दोनों की आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर जमा हो रही है, चालक की भी और मालिक की भी। अगर ऑटो आपका किराए का है तो मालिक जिनका ऑटो है उनकी आईडी भी यहाँ जमा करानी पड़ेगी, पुलिस के पास वेरीफाई होगी, लाइसेंस, आधार कार्ड, सब कुछ जो है वो यहाँ पर जमा कराना होगा। आपको दिखा दे एक बार दिखा दे, जैसे ये जो है आप देख सकते हैं, गाड़ी के कागज आरसी है, आधार कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है। इसकी पूरी डिटेल जो है पुलिस अपने पास रखेगी, हर चालक की डिटेल पुलिस के पास होगी। अभी तक आपने देखा कि कितने ऑटो हैं सर यहाँ पर फरीदाबाद में, कितने ऑटो होंगे? अच्छा, गिनती ही नहीं है। तो अब तक कितने लोगों ने जो है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया आपके पास? हमने सुबह से करीबन 150 कर दिए। 150 के करीब जो है वो रजिस्टर्ड हो गए हैं फरीदाबाद। आपको बता दें, 150 के करीब जो बता रहे हैं, 150 के करीब जो है वो ऑटो रजिस्टर्ड हो गए हैं यहाँ पर। और जो जितने भी ऑटो चालक हैं, जो उनसे हमारी अपील है कि वो यहाँ आए मेट्रो चौक के पास, यहाँ पर पुलिस बूथ पर जो है, आप देखें कि ऑटो चालक की सुविधा के लिए यहाँ पर जो बूथ पर जो है एक कैंप लगाया गया है। यहाँ आकर आप अपने जो है कागज़ जमा करा सकते हैं और पुलिस से जो स्टिकर है, आइडेंटिटी है, जो आपकी ऑटो चलाने की जो परमिशन हम कहेंगे वो है, वो ले सकते हैं और अपने स्टिकर को जो है अपनी गाड़ी पे लगाएंगे तो पुलिस आपको बेवजह जो है तंग नहीं करेगी। सर क्या है, कब तक? अभी एक मिनट, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, ऑटो चालक से बात करते हैं। लगवा लिया भाई तुमने क्या? अभी नहीं लगवाया? लगवाएंगे। तो कितने ऑटो हैं हमारे यहाँ लगभग? गिनती नहीं है, लेकिन अब गिनती हो जाएगी, अब गिनती हो जाएगी फरीदाबाद। आपको बता दें कि एक बार ये दिखाएंगे ऑटो चालक, ऑटो पर ये स्टिकर लगा हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन का स्टिकर लगा हुआ है। एक बार थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे, इस तरह के से जो है स्टिकर जो हैं आपको अपने ऑटो पे लगाने होंगे। जिस ऑटो पर ये स्टिकर लगा होगा उसका मतलब कि वो पुलिस से वेरीफाई है, वो ऑटो जो है पुलिस से वेरीफाई है, उसकी पूरी डिटेल पुलिस के पास है। इस तरह से ये स्टिकर एक बार फिर से दिखाएंगे, ये स्टिकर भी लगा हुआ है। अब जो है फरीदाबाद पुलिस जो है इस तरह से स्टिकर लगाएगी और वेरीफिकेशन जो है वो उनकी जो है, आप इस स्टिकर को देख कर बैठें, जिस गाड़ी पर स्टिकर लगा हो सिर्फ उसी गाड़ी पर बैठें, उसी ऑटो पर बैठें, क्योंकि वो वेरीफाइड होगा, पुलिस से वेरीफाई होगा, उसकी पूरी डिटेल जो है पुलिस के पास होगी। और ये जो आप देख रहे हैं लगभग 150, जैसा कि बता रहे हैं, ऑटो वालों ने जो है स्टिकर लगवा ली है और बाकी जो अभी हैं लगातार आ रहे हैं, लगवा रहे हैं स्टिकर।
लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। ये ऑटो चालकों की भीड़ है। अगर आप भी ऑटो चालक हैं तो अपना जो है पेपर यहाँ लाएं, यहाँ जमा कराएं और वो स्टिकर प्राप्त करें। सर कब तक है और इसके बाद क्या होगा, एक बारी थोड़ा सा हम बात करें। ये कंटिन्यू चलेगा जब तक सभी ऑटो वालों का नहीं हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, तो इस पे कोई पेनल्टी वगैरह भी लगाई है कुछ टाइम बाद? कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं, पेनल्टी मीन्स इसके बाद अगर कोई अभी नहीं लगवाता, जैसे नहीं लगवाता है तो फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या गलत तरीके से लाएगा उनका चालान होगा। चालान होगा, पेनल्टी नहीं, चालान जो है वो लीगल जो प्रोसेस है। चालान की जो पेनल्टी है वो पेनल्टी है, वो लगेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बता दें, ये जो स्टिकर दिए जा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से कि आपकी वेरिफिकेशन है। और आप जो सवारी बैठाते हैं गाड़ियों में, उन्हें भी बताएं कि जिस गाड़ी पे ये स्टिकर लगा हो उसी स्टिकर वाली गाड़ी को देखकर ही बैठें, क्योंकि अपनी सुरक्षा जो है इसी स्टिकर के पीछे छिपी हुई है। जिस पर ये स्टिकर लगा होगा समझे कि वो पुलिस से वेरीफाई है, वो चालक भी वेरीफाई है और वो गाड़ी का मालिक भी वेरीफाइड है। उसके डिटेल जो है पूरी पुलिस के पास मौजूद है। कल को कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई अनहोनी घटना घटती है, तो वो जो है पुलिस उसके पास, मालिक के पास, चालक के पास पहुंच सकती है, जांच कर सकती है उस घटना को लेकर। फरीदाबाद में हजारों की संख्या में ऑटो हैं, लाइफलाइन है फरीदाबाद की ऑटो। अगर ये नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल होगा फरीदाबाद का। हजारों की संख्या में यहाँ पर ऑटो चालक हैं फरीदाबाद में। और फिर आपको बता दें कि ये जो है सुविधा बिल्कुल फ्री है, और जल्दी से जल्दी आए यहाँ पर, वो स्टिकर जो है प्राप्त करें और अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं पुलिस के पास। लगातार जो है ऑटो चालक यहाँ पर आ रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, पेपर ला रहे हैं, अपने आधार कार्ड वगैरह ला रहे हैं। जो गाड़ी के मालिक हैं वो भी आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों की वेरिफिकेशन करा रहे हैं। आपको फिर दिखा दे, इस तरह से स्टिकर है ये हरियाणा पुलिस फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस का, हरियाणा पुलिस का लोगो लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पर जो है वो एक नंबर लिखा हुआ है। आपको बता दे शीशे के पीछे अंदर साइड से जो है ये स्टिकर लगाया गया है ताकि स्टिकर ख़राब ना हो। बाहर से नहीं लगाया गया है स्टिकर, अंदर की साइड से लगाया गया है, उस पर ऑटो का नंबर लिखा गया है 9149। आपको दिखा दे, फरीदाबाद पुलिस लगातार ट्रैफिक को लेकर जो आज नित नए प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है फरीदाबाद में सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को, चाहे वो चालान के जरिए हो, कैमरे के चालान के जरिए हो, या पुलिस द्वारा जो है लगातार अलग अलग तरह से ड्राइव हो, ट्रैफिक को लेकर बड़ा फरीदाबाद पर है बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि आप समझ सकते हैं गाड़ियों का जो हुजूम फरीदाबाद में है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पर्सनल व्हीकल हो, उसको लेकर जो है बड़े ज़्यादा ही पुलिस कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो कंसर्न है इस बात के लिए कि लोगों की जो है ट्रैफिक की जो समस्या है और इसकी जो सुविधा है, होने वाली दुर्घटनाएं और मौत का आंकड़ा जो है फरीदाबाद में उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद तमाम ऐसी